नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल, आप सभी का मेरे टू व्हीलर टेक्निकल बाबा में स्वागत है। यूएसए कमांडो रिनीगेट 300 गाड़ी आज हमारे पास आई हुई है, जो है बंद। उसको स्टार्ट करना है तो हमने सबसे पहला उसका बैटरी चार्ज किए, बैटरी चार्ज और सेल्फ मारे तो उसका सेल्फ लग रहा है पर सिर्फ स्टार्टर मोटर ही घूम रहा है, पर वन वे नहीं घूम रहा है। और वन वे का काम क्या है कि जब हम सेल्फ मारेंगे स्टार्टर मोटर के जरिए वन वे घूमेगा, वन वे घूमेगा मतलब इंजन घूमेगा और इंजन स्टार्ट होएगा, तो स्टार्ट नहीं हो रहा है इंजन, तो इसके लिए हमें वन वे रिप्लेस करना पड़ेगा। चलिए हम इस वीडियो के जरिए आपको बताना चाहते हैं कि इसका वन वे कैसा रिप्लेस करेंगे, तो आप हमारे वीडियो पे बने रहिए। अब इसके बाद पूरा मैग्नेट कवर का बोल्ट खोलेंगे, 8 नंबर टिपाना लेकर। हमारा सब पूरा मैग्नेट कवर का बोल्ट खोल चुका है, तो पूरा बोल्ट निकाल के फिर मैग्नेट कवर हम निकालेंगे। ये चैन का कवर है, ये भी हम निकाल लेते हैं। मैग्नेट कवर के हमारे सारे बोल्ट खुल चुके हैं, तो अब हम इसका मैग्नेट कवर निकालेंगे। और मैग्नेट कवर निकालने के पहले जो वन वे गियर होता है, वन वे गियर के ऊपर वाला जो कवर था उसको निकालेंगे। तो ये कवर निकालते हैं हम, ये गियर है वन वे का, स्टार्टर मोटर के थ्रू वन वे को मूव करता है, ये गियर है। और मैग्नेट कवर निकालने के पहले एक अंदर भी 8 नंबर का बोल्ट है, इसे भी हम खोलेंगे। चलिए इसे हम खोलते हैं। अब हम मैग्नेट कवर निकालेंगे। मैग्नेट के अंदर भी ऑयल होते हैं, तो नीचे एक बाउल लगा देंगे ताकि ऑयल उसमें गिरे। चलिए अब हम मैग्नेट कवर को निकालते हैं। हमारा मैग्नेट कवर निकल चुका है और अब इसके बाद हमको वन वे खोलना है, तो इसे साइड में कर देते हैं। और साइड में करने के बाद अभी ये हमारा मैग्नेट है, इसके पीछे वन वे है, तो वन वे निकालने के लिए हमें मैग्नेट खोलना पड़ेगा। तो मैग्नेट पहले खोलना पड़ेगा और मैग्नेट पहले खोलते हैं, इस करेंगे। और ये वन वे के सब गियर है छोटे छोटे, ये सभी ध्यान रखना है। इसमें एक वाइसर होगा, देख रहे हैं वाइसर है, इसे भी ध्यान में रखना है, वैसा कहीं गिर ना जाए, तो प्ले आ जाएगा गियर में, ठीक है। तो चलिए हम मैग्नेट खोलते हैं। अब हम मैग्नेट खोलेंगे, तो मैग्नेट के लिए पहला है ये मैग्नेट का स्टॉपर से इसे होल्ड कर देंगे, और होल्ड करके अब मैग्नेट का बोल्ट खोलेंगे। अब बोल्ट खुल चुका है, अब इसके बाद हम मैग्नेट निकालेंगे। तो हम इसे मैग्नेट कूलर लगाएंगे और मैग्नेट कूलर लगा के मैग्नेट बाहर निकालेंगे। हमारे तीनों बोल्ट एनर्जी खुल चुके हैं, अब हम वन वे निकालेंगे इसका। ये वन वे गियर है जो मोटर इसको घुमाकर इंजन को घुमाता है, और ये हमारा वन वे है, तो ये वन वे ख़राब हो चुका है, उसको हम रिप्लेस करेंगे। चलिए हम इसको भी निकालते हैं वन वे को। अब हम मैग्नेट में से वन वे को निकालेंगे, तो पहले वन वे निकालते हैं। ये हमारा वन वे निकल चुका है, तो ये वन वे को हम रिप्लेस करना है। ये वन वे हो गया ख़राब, क्योंकि जब भी हम सेल्फ मारते हैं तो इंजन नहीं घूम रहा है और सिर्फ वन वे ही घूम रहा है, तो इसलिए इसको भी नया रिप्लेस करना पड़ेगा। तो चलिए हम नया वन वे चेंज करते हैं।
वन वे के पूरे पार्ट्स हमारे अभी धुल चुके हैं, अभी हम सभी पार्ट्स को मिलाकर फिट करेंगे। चलिए हम फिट करते हैं नया वन वे लगाकर। ये देखिए हमारा एक जूना वन वे है और एक नया वन वे है, तो ये वन वे को हम फिटिंग करेंगे। तो चलिए मैग्नेट में फिटिंग करते हैं और फिटिंग कैसा किया जाएगा दिखाते हैं आपको। वन वे को भी डाल देंगे, हमने डालने के बाद वन वे गियर को लगा के फिटिंग कर देंगे। थोड़ा सा घुमा के देखिए, वन वे फिटिंग हो चुका है। तो इसके मैग्नेट साइड में तीन बोल्ट होते हैं, वो तीनों बोल्ट को हम लगाएंगे। अच्छी तरह से फुल टाइट कर लेंगे हम तीनों बोल्टों को। तीनों बोल्ट हमारा फुल टाइट हो चुका है। वन वे डालने के बाद ये चेक करना है, एक तरफ फ्री रहेगा और एक तरफ जाम रहेगा। हमारे सभी पार्ट साफ हो चुके हैं, अब हम फिटिंग करेंगे। हम मैग्नेट लेंगे जिसमें हमने वन वे बिठाया, ये हम इसमें पुलियों फिटिंग करेंगे। चलिए इसको हम फिटिंग करते हैं। हमने मैग्नेट बिठा चुके हैं, अब से हम मैग्नेट बोल्ट लगाएंगे। हमने मैग्नेट बोल्ट लगा दिए और अच्छी तरह से इसको टाइट कर देंगे। अभी हमने प्लग पाने से मैग्नेट होल्ड किया है, अब 14 नंबर के बॉक्स पाने से अच्छी तरह टाइट कर देंगे। उसको अच्छे से पूरा टाइट करना है मैग्नेट को। हमने पूरा मैग्नेट अच्छी तरह से फिटिंग कर दिया है, अब इसका वन वे गियर के ऊपर वाला गियर लगाएंगे। इसमें दो सीम वाइसर होता है, वो उसमें होना चाहिए। ये देखिए ये सीम वाइसर है लगा हुआ है। अब मैग्नेट कवर लगाएंगे और पैकिंग में इसके थोड़ा सा 3 बोन ट्यूब मार देंगे। ये इसकी पैकिंग है, इसमें थोड़ा सा 3 बोन ट्यूब मार देंगे। थ्री बोन ट्यूब मार चुके हैं, पैकिंग लगाएंगे। पैकिंग लगाने से पहले इसमें दो स्लू होता है, वो होना चाहिए अपने मोबाइल, एक ये स्लू और एक ये स्लू है। अब हम पैकिंग लगा देंगे, पैकिंग को अच्छी तरह से स्लू में बिठा देंगे। बोन ट्यूब मार के फिर फिटिंग करेंगे। थ्री बोन ट्यूब मार के हो चुका है, अब इसको हम मैग्नेट कवर को इंजन में फिटिंग करेंगे। मैग्नेट कवर फिटिंग कर चुके हैं, अब इसके बाद हम 8 नंबर का बोल्ट लगा के फिट कर देंगे। पूरा बोल्ट है मैग्नेट कवर में होल्ड कर दिया है, अब इसको अच्छी तरह से हम टाइट कर देंगे। मैग्नेट कवर के हमारे सारे बोल्ट टाइट हो चुके हैं, अब हम ये स्टार्टर की गियर लगाएंगे। इसमें भी थोड़ा सा 3 बोन ट्यूब मार देंगे ताकि लीकेज ना करे ऑयल। हल्का हल्का 3 बोन ट्यूब मार देंगे इसमें। आठ नंबर का 3 बोल्ट लेके इसका टाइट कर देंगे। हमने पूरा मैग्नेट कवर फिट कर चुके हैं,
अब मैग्नेट और कवर फिट करने के बाद हम सेल्फ मार्किट चेक करेंगे हमारा वन वे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और वन वे काम करेगा तो इंजन चालू होएगा, और इंजन चालू होएगा मतलब गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए अब हम सेल्फ मारते हैं और सेल्फ मार्किट चेक करते हैं। हमारा सेल मारे और गाड़ी चालू हो गई है, मतलब वन वे परफेक्ट फिट हो चुका है।